सोनल कौशल द मोच माउथ वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू टूडेज व्लॉग। आज बहुत ही लॉन्ग डे होने वाला है मेरे लिए बिकॉज रिकॉर्डिंग भी है एंड रिकॉर्डिंग तो रोज ही होती है, बट आज का दिन शुरू होने वाला है एक बहुत ही अच्छे काम से, एक सोशल कॉज से, क्योंकि जुहू बीच क्लीन करने वाले हैं कुछ स्टूडेंट्स एंड उन्होंने मुझे इन्वाइट किया दैट दे नीड माई सपोर्ट एंड दे वॉन्ट मी टू बी देयर। तो मैंने बोला यार वाई नॉट मैं की, और पूछ टाइम हो चुका है 7:39 सुबह इतनी जल्दी तैयार होकर भी मैं लेट हूँ, लेकिन आई एम जस्ट गोइंग टू रश नाउ टू द जुहू बीच एंड आई विल सी यू देयर। चलो बाय बाबा, राधे राधे। ओके बाय राधे राधे, हैव अ ग्रेट डे, गोइंग फॉर अ गुड कॉज। थैंक यू, या गुड लक। मुंबई में घर से बाहर निकलने से पहले सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप एक अम्ब्रेला लेके निकलो। सो माय अम्ब्रेला चेक। सो गाइस आई हैव रीच्ड जुहू बीच एंड मेरे साथ है जय। हाय जय, टेल अस समथिंग अबाउट दिस, व्हाट इज दिस? ओके सो गाइस हम लोग यहाँ पे आज क्लीन अप कर रहे हैं। सो इंडिया फॉर ओशियंस एंड मिशन ग्रीन मुंबई के साथ हम लोग क्लीन अप कर रहे हैं। Wherein students from various schools are coming over here. Wow. And Sunil ma'am is joining us. Yes, and हमारे साथ एक छोटा सा guest भी है। Hi Vanessa. Hi. Hi. And ये देखो कौन आया। Hi. Good morning. Sir, मतलब आपका छोटा packet एकदम डिट्टो डिट्टो। So are you ready? Yes. Let's we are ready. Yes, we all are ready. चलो आपको दिखाते हैं। ये सब स्टूडेंट्स हैं जो क्लीन कर रहे हैं। हम लोग कॉलेज में वॉलंटियर। सो गाइस यहाँ पे क्लीन अप ऑलरेडी हो चुका है, हम लोग थोड़े लेट हो गए। ये जो अमेजिंग बच्चे हैं यहाँ पे, इन्होंने पूरा बीच क्लीन कर दिया। गाइस आप लोगों ने यहाँ पर आज इतना अच्छा काम किया है, थैंक यू सो मच। हैं तो उनसे पूछते हैं कि वो कौन सा कार्टून देखते हैं, आप कौन से कार्टून देखते हो? शिनचैन, डोरेमोन, छोटा भीम, इसके अलावा कोई है? पोकेमोन, पोकेमोन सबसे बेस्ट। बहुत केओस है, बहुत केओस है, ओ माय गॉड।
ओके एंड तब से मिलना था मुझे आपको. ओह सो स्वीट. हम लोग तो बस पीछे हम लोग को तो बस मिलना रहता है क्योंकि हम लोग को मालूम ही नहीं क्या होता है. हम लोग को आप एक्चुअली ये फील ऐसा है ना कि किसी को पता नहीं होता, मतलब लोग कार्टून हमेशा देखते हैं लेकिन उनको वॉइस के बारे में पता नहीं होता. और हम लोग बस फैन बन जाते हैं कि यार बहुत मस्त है कार्टून. हम लोग को उसके पीछे का. थैंक यू सो मच गाइस, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है. थैंक यू एक्चुअली फॉर एंड हमें यहाँ इन्वाइट करने के लिए. थैंक यू. सो गाइस जू बीच का काम हो गया और अब मैं पहुंच चुकी हूँ अंधेरी वेस्ट. ये है लक्ष्मी इंडस्ट्रियल एरिया और यहाँ पर मेरी एक रिकॉर्डिंग है. 10:30 मुझे पहुंचना था, 10:40 हो चुके हैं. मैं पहुंच गई हूँ लेकिन अभी तक स्टूडियो नहीं खुला है. दैट्स द बैड न्यूज. बाय द वे बहुत भूख लग रही थी और मैंने जल्दी जल्दी नाश्ता कर लिया, मैं वो शूट नहीं कर पाई. मैंने डोसा खाया है, बहुत ही यम्मी था. और ये आ रहा है मयूर जो हमारा स्टूडियो खोलेगा. कैसे हो तू? मोटा ही होता जा रहा है. तो गाइस अभी सीन ये है कि ये मयूर तो आ गया है यहाँ पे लेकिन जिसके पास चाबी है वो इंसान नहीं आया अभी तक. तो अभी और वेट करना पड़ेगा. पता नहीं क्या क्या कोऑर्डिनेशन चल रहा है, बातें चल रही है. मुझे तो नींद आ रही है. फाइनली ओम नमः शिवाय. सो अब हम करने वाले हैं किसी डॉक्यूमेंट्री के लिए रिकॉर्ड. मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या है. सो मयूर मुझे बताने वाला है कि क्या है एंड मैं आपको करके दिखाऊंगी. गाइज यहाँ कुछ टेक्निकल फॉल्ट हो गया है सो यहाँ की रिकॉर्डिंग अभी नहीं हो पा रही है. सो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग. सी यू देयर. अब मैं पहुंच गई हूँ सेकंड स्टूडियो जो है अंधेरी वेस्ट में ही है, मयू की इन सिंक. एंड यहाँ पर मैं करने वाली हूँ छोटा भीम की रिकॉर्डिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके द बटटब. ये ट्रैक्स भी बहुत लाउड है बाकी कैरेक्टर्स के. ये ठीक है. ओके ठीक है, कल सुबह करता हूँ. गाइज रिकॉर्डिंग हो गई है, खाना भी खा लिया है एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग. नींद आ रही है. हाय दिव्य भाई. हे क्या है? ये व्लॉग है. हाय करो. गाइस तो देखा आपने, रिकॉर्डिंग नंबर 1 हो गई कैंसिल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से. रिकॉर्डिंग नंबर 2 मैंने कर दी जो कि थी छोटा भीम की मूवी द राइज ऑफ दमयान का. रिएक्शंस रिकॉर्ड करने थे मुझे, यानी कि मूवी के डायलॉग्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके थे, उसके ऊपर एनिमेशन बनकर आया था एंड हमें कुछ फाइनलाइजेशन करना था. नाउ आई एम हेडिंग टू माई फोर्थ रिकॉर्डिंग एंड इट इज इन गोरेगांव. तो अभी मैं जा रही हूँ अंधेरी टू गोरेगांव. मैंने कल इंस्टाग्राम पे ये डाला था कि आस्क मी अ क्वेश्चन. बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, पर अगर 100 क्वेश्चंस आए ना तो उसमें से अराउंड 70 क्वेश्चंस ये हैं कि आप इतने क्यूट क्यों हो. अंकल अभी सिग्नल से राइट ले लेना. हाँ. सिग्नल से राइट. ये सिग्नल से राइट. हाँ. आगे से राइट लेता नहीं चलेगा. नहीं, यही सिग्नल से राइट लेने का है. अभी ये हाथी है ना जो सामने, राइट लेने का. हाँ, हाथी की पूंछ से राइट. हाथी की पूंछ से राइट. हाँ. मैं आपसे कार्टून की तरह बात कर रही थी, आपको मालूम नहीं चला. ये
आ गया। अच्छा आई। सो गाइज मैं स्टूडियो पहुंच चुकी हूँ एंड आज हम करने वाले हैं छोटा भीम के लिए रिकॉर्ड। छोटा भीम की एक टीवीसी है या डिजिटल फिल्म है और उसको मैं बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं कन्नड़ा में रिकॉर्ड करूंगी और उसके लिए मेरे साथ है रितिका। हाय हाय, शी विल हेल्प मी विद द लैंग्वेज बिकॉज आई डोंट नो द लैंग्वेज एट ऑल एंड दैट्स द होल टीम। हाय एवरीबॉडी। हाय, वो सुपर्ब। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। साधारण सबसे ज्यादा बुरा तब लगता है जब हम पूरा प्रोनाउंसिएशन सही हो लेकिन लेंथ की वजह से अटक जाए। ఈ సాధారణ జలుబు పడిసేం కాకుండా ఫ్లూ కూడా కావచ్చు। ఈ సాధారణ జలుబు పడిసేం కాకుండా ఫ్లూ కూడా కావచ్చు। చలేగా నా చోటా హల్కా పాజ్ లేకే దేంగే తో తో కమ్ కర్ దో ఆప్ అరే అరే। ఫ్లూ నుంచి కాపాడేందుకు వ్యాక్సినేషన్ తప్పనిసరి। హలో సిర్ఫ్ ఫ్లూ నహీ, ఫ్లూ సే హాస్పిటల్ మే అడ్మిట్ భీ హోనా పడ్ సక్తా హై, ఇస్లియే వ్యాక్సినేషన్ కరావ్, ఫ్లూ భగావ్। ये साधारण सर्दी जुखाम सर्दी सॉरी ये साधारण सर्दी मम्मी ये साधारण साधारण सर्दी जुखाम ठीक। इधर साधारण काचला इल्ला में फ्लू काचला गबु मिर्कलाम फ्लू वतर का वैक्सीनेशन पोड़ वदे आवश्यम। ఈ సాధారణ జలుబు పడిసేం కాకుండా ఫ్లూ కూడా కావచ్చు। ఫ్లూ నుంచి కాపాడేందుకు వ్యాక్సినేషన్ తప్పనిసరి। నౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు రికార్డ్ ఫర్ కికు అండ్ సూపర్ స్పీడోస్ మే మే ట్వింకిల్ కా క్యారెక్టర్ కర్తి హూ అండ్ పహుంచ్ గయి। ఆజ్ కా దిన్ కిత్నా అచ్చా హై, బీచ్ భీ కిత్నా శాంత్ హై, ఇసే కహతే హై టూ వర్డ్స్ మే గుడ్ డే। వావ్, సూపర్ స్పీడో తో హై వన్ వర్డ్ మే కహూ తో ఫ్యాబ్యులస। సచ్ మే डूबा हुआ जहाज, ये तो है एक वर्ड में कहूँ तो आउटस्टैंडिंग। वाओ, ये शिप तो है वन वर्ड में मैजेस्टिक मैजेस्टिक। किको किको यहाँ यहाँ हम यहाँ हैं। और तेज किको और तेज और तेज। ओह नो, एक वर्ड में कहूँ तो थ्रिलिंग। सो गाइस मैं निकल गई हूँ रिकॉर्डिंग से और अब मैं जा रही हूँ वायलेट विंग्स क्योंकि आज हमारी क्लास है एंड लेट्स गो। सो गाइस अब मैं पहुंच गई हूँ क्लास में और ये देखो सर भी आ गए। हाय सर। हेलो, फिर से हेलो। हम लोग सुबह मिले थे एंड अब हम जा रहे हैं अंदर। हम जा रहे हैं वायलेट विंग्स वॉइस एकेडमी में जहां हम वॉइस एक्टिंग सिखाते हैं। बिल्कुल, और स्टूडेंट्स हमारा इंतजार कर रहे हैं। यस लेट्स गो। आर यू ऑल रेडी? यस नो लेट्स गो। चलो मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि कोई शोर ना करे। मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि कोई शोर ना करे। मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि कोई शोर ना करे। मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि फिर से ब्लो आ रहा है। मैडम आपके ब्लो आ रहे कंटिन्यूसली। अच्छा अब थोड़ा क्रॉस रहिए माइक से। ओके अच्छे अच्छे सपने देखना। ओके मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि कोई शोर ना करे। सॉरी। दरवाजा अचानक खुलता है तो तुम्हें डर लगता है ना? ठीक था ठीक था ठीक 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 था ठीक था। क्यों? How do I take it? You.
जैसे ही वो स्टार्ट करे तब आप स्टार्ट करो. रेडी? आराम होता है कि आराम होता है? आराम. तुम अच्छी तरह कंबल ओढ़ के आराम से सो जाओ, ठीक है? नहीं, उसको भी प्ले करिए. मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि कोई शोर ना करे. वेरी गुड, गुड जॉब, वेरी गुड. गाइज, आज का दिन ऑलमोस्ट ओवर होने वाला है. क्लास ओवर हो चुकी है और ये है हमारे स्टूडेंट्स. हाय गाइज, हाउ वाज टुडेस क्लास? आज हमने, बाय द वे, हमने आज एनिमेशन किया. डीडी डेक्सटर वो हमने डब किया, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा. अच्छा, अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या. हेलो, हेलो, वेलकम वेलकम. आई एम वेरी टायर्ड, वर्किंग सिंस मॉर्निंग. यस, मेरा बेटा है. आज का दिन हो चुका है खत्म. जैसा कि मैंने कहा था, आई विल बी हैविंग अ लॉन्ग डे. इट वाज इंडीड अ लॉन्ग डे एंड आई हैव रीच्ड होम. हाय डैडी. हेलो, हेलो, वेलकम बैक. हाय मम. हाय. राधे राधे. थैंक यू. सो गाइज, आपको मेरी शक्ल से दिख रहा होगा कि मैं कितनी थक गई हूँ. बट मम्मी जरा बोल देना लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए. बोलो आप सब मेरी बेटी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब. हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने को भी बोलो ना. सोनल के चैनल को सब्सक्राइब करें. गाइज, हम लोगों को ना, मुझे और मेरे भाई को ना बचपन से बहुत डांट पड़ती थी, इसलिए आपको भी ना डांटने वाले स्टाइल में बोला है, मेरी बेटी के चैनल को सब्सक्राइब करो. तो कर दो वरना आपको डांट पड़ जाएगी, है ना मम्मी? अब मुझे लग रही है भूख, मुझे खाना है माँ के हाथ का खाना. आप भी जाओ एंजॉय योर माँ के हाथ का खाना एंड प्लीज हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द व्लॉग. और अगर आप आगे बहुत सारे वॉइस आर्टिस्ट का इंटरव्यू देखना चाहते हो तो प्लीज मुझे बता दो कि कौन से वॉइस आर्टिस्ट का इंटरव्यू देखना चाहते हो, तो मैं उनका इंटरव्यू लूंगी, राइट? एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करना चाहिए. ओके, सो गाइज, थैंक यू सो मच. Keep supporting me and keep loving me because I pyar you. Subscribe zarur karke jana. Bye.